हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन के स्टोरी सम्स करेंगे। क्वेश्चन करते हैं, इन आर स्कूल देयर आर 1975 स्टूडेंट्स, अमंग देम 898 आर गर्ल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। यहाँ पे दे रखा है कि किसी स्कूल में 1975 स्टूडेंट्स थे, मीन्स टोटल स्टूडेंट इतने हैं, जिसमें से 898 गर्ल्स हैं, तो बॉयज के नंबर्स क्या होंगे। तो पहले जो चीज़ें हमें दे रखी हैं हम वो राइट कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 1975। अब इसमें से गर्ल्स कितनी है स्कूल में, गर्ल्स इज इक्वल टू 898। अब हमसे पूछा है बॉयज कितने हैं, तो बॉयज के लिए हम क्या करेंगे, इससे टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे बॉयज आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 में से 8 करेंगे, 7, 6 बचा, 6 9 में से 6 करेंगे तो 7। अब यहाँ पे कितना हो गया, 8, 8 में से 18 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 1077। यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इज 1077 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, देयर पॉपुलेशन इन आ विलेज इज 2784, द विलेज हैज ओनली फार्मर्स एंड वेवर्स, 1038 ऑफ देम आर वेवर्स, देन हाउ मैनी फार्मर्स आर देयर। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन बता रखी है विलेज की कि 2784 है, जिसमें से कुछ फार्मर्स हैं और कुछ वेवर्स हैं। वेवर्स की उसने दे दिया है कि वेवर्स कितने हैं, तो फार्मर्स के नंबर पूछे हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही हमें बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन भी करना है। वहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स का दे रखा था, यहाँ पे विलेज के लिए दे दिया है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है विलेज की, टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2784, जिसमें से फार्मर कितने हो गए हमारे, वेबर्स कितने हैं हमारे, 1238। अब इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, फार्मर्स। कितना आएगा यहाँ पे, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 7 में से 2, 5, 2 में से 1 तो आ गया 1। तो नंबर ऑफ वीवर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हो जाएंगे, 1546 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द ट्रक कैन होल्ड 6000 एप्पल्स, 2700 एप्पल्स आर ऑलरेडी देयर इन द ट्रक, हाउ मैनी मोर एप्पल्स कैन बी पुट इन ट्रक। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि कोई एक ट्रक है जो 6000 एप्पल रख सकता है, मीन्स उस ट्रक में 6000 एप्पल आ सकते हैं, जिसमें से 2700 एप्पल पहले से हैं उस ट्रक में। तो
बाकी के कितने एप्पल्स उसमें ट्रक में और डाले जा सकते हैं। तो ट्रक कितना होल्ड कर सकता है, पहले ये ट्रक होल्ड एप्पल्स इज इक्वल टू कितने एप्पल्स कर सकता है, 6000 एप्पल्स कर सकता है, जिसमें से ऑलरेडी देयर कितने हैं, ऑलरेडी इन ट्रक टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड। हमें मोर एप्पल्स पूछे हैं तो कितने एप्पल्स हो जाएंगे, अब इन्हें पहले माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मोर एप्पल्स पुट, मतलब उस ट्रक में और कितने एप्पल्स डाल सकते हैं ये। अब इसे माइनस कर लेते हैं, 0 0 10, ये 1 यहाँ पे 0 है, तो कैरी ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, 6 में से 1 बोरो लिया तो 10, 10 में से 7 को माइनस किया तो 3, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। तो कितने एप्पल्स बोरो कर सकते हैं, वो अभी और ले सकते हैं, मतलब उस ट्रक में और कितने एप्पल्स डाले जा सकते हैं, 3300। फिर लिख लेंगे 3300 एप्पल्स कैन बी पुट इन ट्रक, इन द ट्रक। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमसे डिफरेंस पूछा है किस किस चीज का, 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 1000। नहीं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999, और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का क्या हो जाएगा, 100। अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं, आंसर आ गया 9899। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन नंबर ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। यहाँ पे दो नंबर्स का सम दे रखा है कि 5909, 5098 है, उसमें से एक नंबर क्या है, 3215 है, तो दूसरा नंबर पूछा है। मतलब अगर हम किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर हमें ये दे रखा है उसने, और इसमें अगर हम किसी दूसरे नंबर को ऐड करें, सेकंड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है 5098। तो ये सेकंड नंबर क्या होगा ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसे दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर में से, मीन्स टोटल नंबर में से जो हमें फर्स्ट नंबर दिया है इसको हम माइनस कर लेते हैं तो सेकंड नंबर मिल जाता है हमें। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5098 माइनस 3215। अब इसे माइनस कर लेते हैं, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, 9 में से 1 को माइनस किया तो 8, अब यहाँ 0 है तो 0 क्या करेंगे, 5 से बोरो ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो, 10 में से 2 को माइनस किया तो 8, अब यहाँ पे बचा है 4, 3, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या आ गया, 1883। ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5107 टू मेक इट इक्वल टू 7000। इस नंबर में, मतलब 5107 में कौन सा नंबर ऐड किया जाएगा जो हमें 7000 मिल जाएगा, मींस हमें दो नंबर को ऐड करने पे ये आना चाहिए।
तो हमें नंबर क्या चाहिए, इक्वल किसके करना है, इक्वल करना है हमें 7000 के, और ऐड किस में करना है हमें, ऐड किससे करना है, ये वाले नंबर में कुछ ऐड करना है। नंबर दे रखा है हमें ये, और नीचे ऐड नंबर मीन जो नंबर हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इसे माइनस करते हैं हम। 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 0 वो 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 9 में से 1 गया तो 8, और 7 यहाँ पे 7 में से तो उधर बोरो दे दिया था उसने, यहाँ क्या बचा है 6, 6 में से 5 गया तो 1। तो हम अगर 5107 में ये वाला नंबर मतलब 1893 ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 7000। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। थैंक